हेलो नमस्कार गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी ब्लॉग में। तो गाइस, आज का बहुत दुखद की घटना है। आप लोग सभी जान चुके होंगे कि उड़ीसा में जो भयानक तीन ट्रेन जो टकराई है, उसमें जो बहुत लोगों की जान, मतलब 250 से 300 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है। तो आपको हम वही चीज़ आपको आज बताने वाले हैं, वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आज का जो है रेलवे विभाग ने मेरे अनुसार से लगता है कि रेलवे विभाग की ओर से ये सबसे बड़ी घटना है जो कि इतना लोगों का ने जान गंवा दिया। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन भाई बहन माता पिता जो भी इस घटना में शामिल है वो जागरूक हो जाएं और अपने परिवार के खोजबीन में चिंतित रहें और उजागर करें, ताकि जो जिस परिवार का भी लोग इस घटना में शामिल हुए हैं वो अपने परिवार को खोज कर निकाल सके। तो इसी का मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज का ही है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें और अंत तक हमारे वीडियो को देखें कि ये घटना किस तरह से घटा है और कैसे घटा है और रेलवे विभाग ने इसका एक्शन क्या लेता है, आपको हम इस घटना में बताने वाले हैं। शाम 7 बजे उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक भयंकर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें अब तक करीब 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। लगभग 1200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसका अभी ऑफिशियल फिगर आना बाकी है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो आप कैजुअल्टी देख रहे हैं इसकी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हो ये ट्रेन इतनी ज़ोर से दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ कैसे, इसमें मानवीय भूल है या सिस्टम फेल्यूर हो गया, या अब इसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। आप समझ सकते हो ये इतना बड़ा दुर्घटना होने के कारण जो इतने सारे लोगों की जान गई है उसके जिम्मेदार कौन होंगे। मैं आपको बता दूं, 12841 शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि शालीमार से आके चेन्नई की ओर जा रही थी, और दूसरी ट्रेन हमारी बेंगलोर SMBT सर एम बिसोसिया टर्मिनल से निकल के हावड़ा की ओर जा रही थी। दोनों पैसेंजर ट्रेन है, फुल्ली पैक्ड रहती है। इसमें जो लोग रहते हैं स्लीपर कोचेज में, इसकी अगर हालत देखोगे तो आप, अगर 72 सीट है तो लगभग 150 से ज़्यादा लोग रहते हैं स्लीपर कोच में, क्योंकि वेटिंग वाले रहते हैं, और ये फुल्ली पैक्ड ही जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार चेन्नई, कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने फुल मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे 130 kmph पे आ रही थी। उससे पहले क्या हो गया था, जो हमारी SMBT बेंगलोर हावड़ा वाली जो ट्रेन है वो चल के जा रही थी और उसके 3 डब्बे पटरी से उतर गए थे और वो दूसरे ट्रैक को ऑब्स्टेकल कर रहे थे, और इसी दौरान एक मालगाड़ी उधर से गुजर रही थी तो उस मालगाड़ी को रोक दिया गया था ताकि मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन से ना टकरा जाए। और उस दौरान हुआ क्या, अब मालगाड़ी रुकी है तो वो ब्लॉक सेक्शन, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो पूरा ब्लॉक हो गया और पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने फुल स्पीड से आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सिग्नल रेड होने की वजह, सिस्टम फेल्योर हो गया, सिग्नल फेल्योर होने की वजह से लोको पायलट, उसके जो क्रू थे असिस्टेंट लोको पायलट, उनको पता ही नहीं चला कि आगे ट्रैक पे एक मालगाड़ी है। क्योंकि ट्रेन जब 130 के स्पीड से चलती है तो आप अंदाजा लगा लो, ट्रेन अगर आप रोकने की, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने की कोशिश करोगे तो कम से कम 1 किलोमीटर, कम से कम 800 से 1 किलोमीटर डिस्टेंस लेती है ट्रेन रुकने में। और ये 130 kmph से आई एम श्योर कि क्रू ने ब्रेक लगाई होगी, इमरजेंसी ब्रेक लगाई होगी, लेकिन रुकते रुकते ये जोरदार टक्कर मारी है मालगाड़ी को। एक गुड्स ट्रेन जिसको रोका गया था उसको खतरनाक से टक्कर मारी गई है। और आप अंदाजा लगाओ, आगे के दो कोच, आजकल जो कोच रहते हैं उसमें जनरल कोचेज रहते हैं, जिसमें कोई आंकड़ा निकल के नहीं आने वाले कितने लोग उस जनरल कोच में थे। आप जनरल की हालत देख के अंदाजा लगा लो कितने लोग होंगे उसमें। और इसके 17 डब्बे बेपटरी हो गए कोरोमंडल एक्सप्रेस के, और 7 डब्बे की बहुत बुरी हालत है एक कोच में, अंदाजा लगा लो। और आप, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूं कि हम इस दुख की घड़ी में, हम, हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जिनके जिनके परिवार के लोगों की जान चली गई है, घायल हैं, जो घायल हैं मैं उनके स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं, जल्दी से रिकवर हो जाए। इस पे जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा
उड़ीसा में जो बालेश्वर के लोग हैं उनका भी वो रात भर लगे रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, साथ देते रहे, जो एनडीआरएफ और जो बाकी ऑफिशियल थे उनको सपोर्ट करते रहे। हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है लोगों का ब्लड देने के लिए, वो अपना ब्लड देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कितने अभी सारे अस्पताल पैक हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को भुवनेश्वर कटक रेफर किया जा रहा है। और ये रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव साहब साइट पे पहुंचने वाले हैं, वो किसी भी समय पहुंच सकते हैं। और ये टोल जो है, ये जो आंकड़ा है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ये भयानक होता जा रहा है। इतिहास में, रेलवे के इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं आपको बता दूं, आज अभी हाल फिलहाल में ये दुर्घटना इतनी बढ़ क्यों रही है, अभी बात की जा रही थी जो कवच सिस्टम रहेगा, अगर कवच लगा रहेगा ट्रेन में तो आमने सामने अगर ट्रेन रही या एक ही ट्रैक पे रही तो अचानक उसमें ब्रेक लग जाएगी, डिस्टेंस पे ही ब्रेक लग जाएगी और कोई दुर्घटना नहीं हो सकता है। तो ये सिस्टम आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। कुछ ट्रेनों में ये लगाया गया है लेकिन इसको सारी जगह इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। एक अच्छी बात इसमें लोग कह रहे हैं, जो ये LHB वाली कोच थी, LHB वाली कोच थी जिसके कपलिंग सिस्टम काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी सोचो ये जो विजुअल देख के आप अंदाजा लगाओ कि कितना भयंकर घटना हुई है। हमारी SMBT हावड़ा वाली जो ट्रेन थी जो डिरेल होके थी, तो उसके साइड में भी साइड कोलाइड हो गई, क्योंकि मालगाड़ी में टक्कर मारी, उसके बाद ट्रेन बेपटरी हुई और साइड में वो ट्रेन भी थी उसमें जाके टकराई है। तो ये काफी भयंकर हादसा है। इसमें कहा जा रहा है इनके क्रू की जान चली गई है, लेकिन एक कुछ लोग कह रहे हैं कि LAP शायद सर्वाइव कर गए हैं, वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में घायल थे, 130 में टक्कर मारी है। आप सोचो, अंदाजा लगाओ, आप ट्रेन से कूद भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें क्रू की जान गई है। इसमें रेलवे की लापरवाही में कह सकता हूँ, सिस्टम फेल्यूर या जो भी हो, इसमें उच्च स्तरीय जांच बैठेगी। और मैं आपको बता दूं, जांच तो बैठती है लेकिन जो इसका रिपोर्ट निकल के आता है वो नहीं पता चल पाता है पब्लिक को। मैं आपको जितनी भी हादसे हुई है, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है, मैं उसका रिपोर्ट निकाल के आपको सारे दुर्घटना का डिटेल बताने की कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियो में।